एक्साइटेड हैं सब लोग, बहुत ही बहुत मेहनत की है आज यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत खुशी की बात है ये सब लोगों के लिए, सब टीम के लिए, सारे लोग आए हुए हैं। और फिल्म का रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है, हर तरफ से मुझे कॉल आ रहे हैं हर स्टेट से, तो ये अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्लेसिंग डे है। एकदम परसों ही रिलीज़ हो रही है तो आज थोड़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, और फैमिली भी आई है मेरी तो और ज़्यादा थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ, बट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आशीर्वाद उनका हमेशा, आज उन्हीं के आशीर्वाद से काम हुआ है और ये फिल्म बनी है, वो हर वक्त हर पल मेरे साथ रहती है। जब कुछ होता है मुझे लगता है नहीं समझ में आ रहा तो उनको फ़ोन करती हूँ, मुझे समझा देती है, तो आज वो आई है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। जब मेरी माँ ने भी इसके साथ संघर्ष, मेरे साथ संघर्ष किया, मेहनत की है, तो बहुत खुश है हूँ, बहुत अभी आदमी के पास। बेटी मेरी बहुत अच्छा किया, बहुत गर्व है मेरे को, बहुत अच्छा किया। मैं बस यही कहना चाहूँगी, मेरी माँ थोड़ी सिंपल है, कम बोलती है, बस मैंने बुलाया है, मैंने कहा मम्मी आओ, तो आने के लिए भी रेडी नहीं थी, पता नहीं कैसे क्या मीडिया ये रहेगी, बट मम्मा को, ये मम्मा के लिए पूरी दुनिया अलग है, क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ इतना मीडिया वाला ऐसा कुछ रहता नहीं है, तो ये नई दुनिया है, बट अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी माँ ये पल देख पा रही है, इसकी साक्षी बन पा रही है, तो बस यही कहना चाहूँगी, मम्मी की ब्लेसिंग मिल रही है। जी 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 सर, आपसे भी यार चाहिए आप का रोल निभा रहे हैं इस फिल्म में, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, इस फिल्म में बहुत सारे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं जो बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, तो उन्हीं सामाजिक मुद्दों को उजागर करने वाली फिल्म है, और आप लोग देखिए थिएटर में जाके, बुक माई शो पे ओपन हो चुकी है, पेटीएम पे भी ओपन हो चुकी है टिकटें, और मुझे उम्मीद है कि हम अच्छा रिस्पांस लेंगे इस फिल्म से। 16 फरवरी को ये फिल्म थिएटर पर रिलीज़ हो रही है, तो समाज के लिए ये फिल्म बहुत ज़रूरी है, और सब लोग पूरे परिवार के साथ जाएं इस फिल्म को देखने के लिए। यूए सर्टिफिकेट मिला है इस फिल्म को, और ये फिल्म इंटरटेनमेंट के साथ आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करेगी जो शायद आज तक आप लोगों को नहीं है। ऐसे कुछ सामाजिक मुद्दे हैं जो कई सालों से हमारे देश में चलते आ रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस बात को देश के आवाम तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि ये फिल्म देखनी क्यों ज़रूरी है। थैंक यू जी। कहानी तो एक फैमिली का सर्वाइवल की है, और क्या होता है कि हमारा दो पैसे भी गुम जाते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा दुख होता है जब ज़रूरत होती है, किसी का घर गुम जाए, घर छिन जाए तो क्या होता है, वही कहानी है। और कुछ ही मुख्य किरदार है जिनके इर्द गिर्द घूमती है, प्लस एक यूनिवर्स जो क्रिएट किया है वो बहुत ही रियल, बहुत रॉ है, और अभी तक मतलब ऐसी कोई कहानी आई नहीं है सिनेमा में, तो आई होप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो जानने ज़रूरी हैं समाज को, वो जानने को मिलेंगे इसमें। जितने भी हम लोग आर्टिस्ट हैं सबकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही थ्रू आउट द शूट, और शूट के बाद भी हम मतलब अभी तक उसी जो एक इमोशनल जर्नी थी हमारी उसी में हैं। मुझे ऐसा लगता है वो इमोशनल जर्नी आप लोग भी इस फिल्म के ज़रिए थोड़ी सी फील कर पाएंगे, थोड़ा उसके गो थ्रू हो पाएंगे, यही मतलब मेरी तो यही उम्मीद है, मुझे ऐसा ही लगता है कि फिल्म आप सबको पसंद आएगी, बहुत ही संजीदा और बहुत ही रियल फिल्म। राजेश शर्मा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, कल रात को ही मैंने फ़ोन किया था, बोल रहे हैं कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी अभी एक थोड़ी एज भी है, उस हिसाब से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, वो कहीं शूट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा कि मेरी, मैं बहुत आना चाहता हूँ, उन्होंने पहले ही मेरे को बोला था कि मैं आपके लिए आऊँगा, वो आते नहीं आपको पता ही है, आपने कहीं देखा नहीं होगा किसी भी प्रीमियर पर, बट मेरे लिए उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं आऊँगा, लेकिन अभी सडनली उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो इसलिए वो नहीं आ पाए, उन्होंने मेरे को बताया, तो बस वही कारण रह गया, नहीं तो दिल्ली, हम कोशिश करें कि दिल्ली आएँ, वो कल प्रेस है वहाँ पर। और क्या चीज़ें आपको पसंद आई? फिल्म क्यों देखनी है? फिल्म एक फिल्म है और एक सोशल मुद्दा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये देश की ऐसी सच्चाई है जो लोगों को नहीं पता है, तो हम चाहते हैं इस फिल्म के जरिए आप तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, इसीलिए ये फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं हमको पता ही नहीं होती हैं। यस। तो ये भी एक मुद्दा ऐसा है कि हम लोग इससे वाकिफ़ नहीं है शायद अभी तक,
मतलब मैं हूँ क्योंकि मैं एक छोटे शहर से हूँ और मैंने ये सब कुछ होते हुए देखा है, इसलिए मैं कनेक्ट कर पाया। और जब पहली बार स्क्रिप्ट आई तो फट से हाँ भी बोल दिया, क्योंकि सुना था, देखा था ये होते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है जिन लोगों तक ये चीज़ अभी तक नहीं पहुँची, जिनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, जिन्होंने ये सब सहा नहीं है, उनको ये स्टोरी पता लगनी चाहिए इससे पहले कि वो सहे। इससे पहले उन पे ही बीते, उससे पहले वो ज़रूर देखनी चाहिए। मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही लोग, पहले भी मैंने आपको बोला मीडिया को, सबको ही लोग हीरो ढूंढते हैं कि भाई कि हीरो होना बहुत ज़रूरी है फिल्म में। हमारी फिल्म में जो कैरेक्टर है, जो एक्टर है, बहुत कमाल का उमदा काम किया सब ने, वो सब अपनी जगह हीरो है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्टोरी अपने आप में बहुत हीरो है। और ये ऐसा मैसेज लेके लोगों तक पहुँचाएगी जो लोगों के लिए नई बात होगी, तो इस फिल्म से लोग बहुत कुछ सीख के बाहर निकलेंगे। इसमें कुछ ऐसे बोर्ड के बारे में बात की गई है, तख्त बोर्ड कहते हैं जिसको, हमने तख्त बोर्ड कंसीडर किया, बट वक्त बोर्ड नाम है, जो बहुत लोगों को नहीं पता। मुझे लगता है कि भारत में हो सकता है 5% लोगों को इस बात के बारे में पता होगा। हैं जितने मुस्लिम, उनको नहीं पता है, कुछ मुस्लिम को नहीं पता है, मैं ऐसे सारे मुस्लिम को नहीं कंसिडर, कुछ टॉप के मुस्लिम हैं जो पॉलिटिशियन हैं उनको ज़्यादा पता है। और इसे वही काफ़ी मुसलमानों से मैं मिली हूँ, तो सारे मुसलमानों को नहीं पता है इसके बारे में, जो एकदम दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए भी नई चीज़ है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इसको चला रहे हैं, और बहुत अवैध तरीके से जो अतिक्रमण हो रहा है, आपको पता ही है, आए दिन न्यूज़ आ रही है, तो बहुत लोगों को नहीं पता है। और बहुत सारे लोग हैं सोलापुर से जो आए थे, हम महाराष्ट्र की, वो हमसे मिले थे, तो उनसे ऐसी उनसे और बातें मेरे को जानने के लिए मिली कि उन पर क्या बीता है, किस तरीके से उनके लैंड को ऊपर कब्जा हो गया। और वो सालों से प्रूफ करने, एक आदमी तो ऐसा है कि बोल रहे कि मेरे को तुम्हारा घोषित कर दिया है वक्फ बोर्ड ने, ये आदमी इस दुनिया में ही नहीं है। वो इतना पेपर लेके आया, मैडम देखिए मेरे पास पेपर है, मैं लेके जा रहा हूँ और प्रूफ कर रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ, तो इससे बड़ी क्या बात। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जगह ऐसी है जो चीज़ें वो सामने नहीं आती, क्योंकि गरीब क्या है कि वो लड़ नहीं पाता इन चीज़ों से। ये बहुत बड़ी बात है जो लोगों को लगती है बहुत छोटी है, लेकिन बहुत आने वाले समय में इसको फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने पहले ही अवेयर करने के लिए फिल्म बनाई है कि भाई ये ऐसी चीज़ें, ऐसे कानून भारत में एग्जिस्ट नहीं करते। रिलीज की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ ये फिल्म रिलीज हो रही है, कितने स्क्रीन मिले हैं आपको, उसके बारे में बताइए। ये फिल्म 325 थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है, हमारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फिल्म रिलीज़ हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी थिएटर है, हिमाचल में, तकरीबन 24-25 स्टेट्स में, और 5 से 6 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में रिलीज़ हो रही है। और देखिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, होप सो कि हाउसफुल जाए और हमारा पहले दिन का अच्छा कलेक्शन आए, मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं कुछ कहना चाहूँगा इसमें, हाँ मैं एक कहना चाहता हूँ कि कानून जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। अगर कानून में बैठने वाले सारे लोग एक ही कम्युनिटी, एक ही बिरादरी के हैं और उन्हीं से कोई गलती हो रही है, तो वो उसको कैसे सुधारेंगे जब तक उसमें दूसरी कम्युनिटी के और दूसरे लोग ना हों। तो द सेट ऑफ जजेस और जो भी डिसाइडिंग अथॉरिटी है उसमें मेरे हिसाब से हर समुदाय के लोग होने चाहिए, तभी वो निष्पक्ष एक जो जजमेंट है वो दे सकते हैं। तो ये कमी है इस कानून में, और ये कानून जब लागू हुआ था तब बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें की जो कि अपने कानून के, संविधान के खिलाफ है, तो ये नज़रों में आना शुरू हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जागरूक करेंगे थोड़ा इसके बारे में, और किसी भी कम्युनिटी रिलीजन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, बस ये इंसाफ और नाइंसाफी वाली बात है। तो आई होप ये आप लोगों तक पहुंच सके और हम कुछ कर सकें इस बारे में। हाँ, टीज़र के बाद जैसे टीज़र रिलीज़ हुआ, तो टीज़र हमारा व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हो रहा है, एक वीडियो बना के स्पेसिफिक वायरल किया जा रहा है। तो कुछ लोगों के चुनिंदा मेरे को कुछ कॉल भी आए, मैसेज भी आए, और बोला कि अभी तो ध्यान से बाहर निकलो, मास्क लगाओ। मुझे मेरे जाने और कुछ जो मेरे क्लोज है, जो मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने सलाहें दी, बट कुछ लोगों ने ऐसा डराया, गाली भी दी कि आप कैसे ऐसे हिम्मत कर रहे हो, नए प्रोड्यूसर आ रहे हो, ऐसी फिल्म बना रहे हो। मैंने कहा देखो नए प्रोड्यूसर नहीं है,
अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, मेरी विचारधारा वैसी है कि मैं उस हिसाब से कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेजफुल मीनिंगफुल काम करूँ या ऐसी फिल्म बनाऊँ, तो मैंने उस थॉट के साथ फिल्म बनाई है। सही और गलत ये इस फिल्म के ज़रिए लोग जानेंगे। इसमें ऐसा कुछ गलत है नहीं, कुछ हमने कुछ दिखाया नहीं है। पूरा जो फिल्म हमने बनाई है रियल इंसिडेंट पे आधारित है, पूरी पढ़ाई करके बनाई है, इस पर बहुत स्टडी की गई है। ऐसे ही हमने कुछ बैठे बैठे नहीं बना दिया मुँह से, बट लोग हैं कुछ है। हाँ, 3 साल लगे हम लोगों ने इस पर पढ़ाई करते हुए कि एक चीज़ हम ऐसी गलत किसी को ना दें, जो गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सके और वो लोगों तक बात पहुँचा सके। थ्रेट्स आ रही है, लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि अभी थोड़ा बच के रहना, ध्यान रखना, कभी कुछ भी हो सकता है, बट मैं कभी नहीं डरती इन चीज़ों से। या देखिए, मेरी पहली थिएटरिकल रिलीज़ है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिल्म के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लोगों को फिल्म पसंद बहुत आ रही है और फिल्म एक्चुअली बहुत अच्छी है, एक सोशल इश्यू पे बेस्ड है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आई एम सुपर एक्साइटेड और आज एक्साइटमेंट में लेट भी हो गया मैं, थैंक्स टू मुंबई ट्रैफिक, 2.25 घंटे में पहुँचा हूँ मैं, सॉरी गाइज। फिल्म देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, थैंक यू। देखिए, चुनौतियों का सामना तो हम करते ही आ रहे हैं, फिल्म बनाने के टाइम पे हम लोग तो वैसे ही करते हैं। लेट आए, हेलो, कैसे हो? गुड गुड। तो फिल्म रिलीज पे है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, बट हम उसके लिए तैयार हैं, वी आर ऑल रेडी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं ऐसा कुछ होगा, फिल्म हमारी बहुत ही अच्छे मुद्दे पर बहुत अच्छी तरीके से बनी है जी। देखिए, सुहानी जी, शी इज़ अ चैम्प। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया है, इट्स कमेंडेबल, इंस्पायरिंग। जितने भी यंग लोग हैं उनको इनसे सीखना चाहिए कि इतने कम एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। एंड शी इज़ अ डार्लिंग, आई मीन शी इज़ अमेजिंग, अमेजिंग शी इज़। फिल्म देखिए, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी हुई है, सोशल मुद्दे पे है, एंटरटेनिंग है और आप जितना इस फिल्म को देखेंगे उतना एंजॉय करेंगे। फिल्म में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, सब कुछ है और साथ में सोशल मुद्दे भी हैं। थैंक यू।